आखिर कैसे और कहां कहां शूट की गई थी करण अर्जुन फिल्म? दोस्तों आपको बता दें, इस मूवी की शूटिंग राजस्थान में अलवर शहर के भांगड़ गांव में की गई थी और ये भांगड़ गांव भारत के सबसे भूतिया किले यानी कि भांगड़ के किले से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों आप जरा इस फोटो को देखिए, इस हवेली को आप अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हवेली किसी और की नहीं बल्कि करण अर्जुन के दुश्मन यानी कि ठाकुर दुर्जन सिंह की है। मूवी में यह हवेली दुर्जन सिंह की दिखाई गई थी और ये हवेली भी अलवर में मौजूद है और इस हवेली को सरिस्का पैलेस के नाम से जाना जाता है। मूवी में इस हवेली के अंदर सोनिया यानी काजल को कैद कर लिया जाता है। अब आप शाहरुख खान को अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिसमें शाहरुख खान उसी हवेली के अंदर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही शाहरुख खान शूटिंग के लिए जाते थे तो उस वक्त गेट के पास उनके फैंस की भीड़ जमा हो जाती थी। दोस्तों मूवी में आपने क्लाइमेक्स में घोड़ों वाला सीन तो देखा ही होगा जिसमें दुर्जन सिंह के गुंडे घोड़ों पर सवार होकर करण अर्जुन के पीछे पड़ जाते हैं। आइए देखते हैं इस सीन को कैसे शूट किया गया था। अब आइए देखते हैं उस सीन को जिसमें सलमान खान की फाइट एक बॉडी बिल्डर गुंडे से हो जाती है। आइए वो सीन देखते हैं जिसमें शाहरुख खान की फाइट भी उसी गुंडे से हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह मूवी की टीम शाहरुख खान और उस गुंडे पर नकली ईंट फेंक रही है ताकि सीन को और भी बढ़िया और धमाकेदार दिखाया जा सके। दोस्तों इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह गांव के लोग अपना सभी काम छोड़कर शूटिंग के मजे लेने के लिए पहुंच जाते थे। अब भला वो आए भी क्यों ना, क्योंकि उनके गांव में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार जो आए हुए हैं। इसके बाद शाहरुख खान एक छोटी सी लड़की से पूछते हैं, क्या तुम मूवी की शूटिंग देखना चाहती हो? जिसके बाद वो लड़की क्या कहती है आप खुद ही सुनिए। देखो शूटिंग देखने का है ना, तो ये देखने का काम करने का है, एक्टिंग करने का है। तो इस मूवी को 1995 में रिलीज किया गया था। अभी के समय तो मूवीज का प्रमोशन बुर्ज खलीफा के ऊपर चलाकर भी किया जाता है, लेकिन उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं होता था जिसकी वजह से मूवी का प्रमोशन टीवी में एड्स चलाकर किया जाता था, लेकिन टीवी भी कुछ ही लोगों के घर में होता था। ऐसे में शाहरुख खान मूवी का प्रमोशन किस तरीके से कर रहे थे जरा आप भी देखिए। थैंक यू। 9 बजे आएगा देखो बेटा, 9 बजे आएगा। आराम से यार लगेगा। चलो आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस समय एक्टर को लोगों के बीच जाकर मूवीज के बारे में बताना होता था, लेकिन अब तो मामला पूरी तरीके से बदल चुका है। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइएगा कि करण अर्जुन मूवी में आपको सलमान खान ज़्यादा पसंद है या शाहरुख खान।